नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर भावेश चंदेला जी से जानेंगे अर्थराइटिस के बारे में कि कितने टाइप्स का अर्थराइटिस होता है और होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिंस हैं और किस सिम्टम्स पर मेडिसिंस किस तरह से काम करती है ताकि आप होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू अपना अर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकें। सर, आपको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार हिमांशु जी। सर, अर्थराइटिस हम सुनते हैं और अर्थराइटिस का मतलब है गठिया, लेकिन ये अर्थराइटिस कितने टाइप का होता है? जी जी, सबसे पहले तो जैसे हम गठिया टर्म सुनते हैं, जनरली हम इसको हम ओल्ड एज से जोड़ के सुनते हैं। हाँ जी, मतलब रिलेट भी ओल्ड एज से करते हैं, लेकिन ऐसा ये एक पूरा सच नहीं है। अर्थराइटिस बहुत अलग अलग फॉर्म में नज़र आता है, जैसे कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जनरली एक उम्र के बाद, जनरली 45-50 ईयर्स के बाद ओल्ड एज में हड्डियों में मतलब डीजनरेशन शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में खासकर, जो कॉमनली आपने देखा घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है बुजुर्ग लोगों में, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की टर्म देते हैं, जिसमें खाली आपका जो कार्टिलेजनस टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू होता है या घिसना जिसे बोलते हैं घिसना शुरू होता है और जॉइंट्स का जो प्रॉपर जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है जी। पर हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अर्थराइटिस अलग अलग फॉर्म में नज़र आता है, जैसे हमने एक सुना होगा टर्म गाउट, वो भी एक अर्थराइटिस की फॉर्म है, जिसमें कि जॉइंट्स में यूरिक एसिड एक क्रिस्टल्स होते हैं, एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है जो हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है, अगर उसका प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा है हमारी बॉडी में तो वो भी एक तरीके का गठिया जिसे गाउट कहा जाता है प्रोड्यूस करता है। वो यंग एज पॉपुलेशन से लेके ओल्ड एज सब में पाया जाता है जी। एक तरीके का गठिया होता है जो आपने सुना होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, ये है तो गठिया लेकिन ये प्रॉपरली डिफरेंट कंडीशन है व्हेन वी कंपेयर इट टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो तो एज रिलेटेड कंडीशन है, लेकिन ये यंग एज पॉपुलेशन में भी मिलता है, जो बहुत कॉमन एज ग्रुप है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का 30-60 ईयर्स के बीच में, इस पॉपुलेशन में ये वाली बीमारी पाई जा रही है काफ़ी जी। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, ये कोई एज रिलेटेड डीजनरेशन नहीं है जॉइंट्स का। यहाँ पे हमारी खुद की इम्यून सिस्टम, जो कि हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोला जाता है, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है किसी भी वायरल इफेक्ट से या फिर किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या फंगल इन्फेक्शन से, यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम ही अपने शरीर के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की टर्म्स में हमारे ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन, हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करके जोड़ों में सूजन रहना, जॉइंट्स यहाँ तक कि एक्सट्रीम कंडीशन में जॉइंट डिफॉर्मिटी तक भी प्रोड्यूस कर देता है। सर, होम्योपैथी में या किसी भी पैथी में कहा जाता है कि जो मेडिसिंस होती हैं वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमारी बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बताते हैं कि किस पर्सन को कितनी डोज सूट करेगी। जी जी। लेकिन अर्थराइटिस में जो आपने टाइप्स बताए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी और यूरिक एसिड, इनमें किस किस सिम्टम में कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन दी जाती हैं और वो होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन अर्थराइटिस में किस तरह से काम करती है? जी जी, वैसे तो होम्योपैथिक जैसे मेडिसिन का जो प्रोसेस है देने का, हम पेशेंट को देख के उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, होल कॉन्स्टिट्यूशन पूरा केस हिस्ट्री देख के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दी जाती हैं, लेकिन हम जैसे हम प्रॉपर एक स्पेसिफिक बीमारी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम ऑफ डिजीज जो प्रोड्यूस हो रहा है, पेशेंट शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत अलग अलग तरीके से दवाइयाँ दी जाती हैं होम्योपैथी में। जैसे कि एग्जांपल हम लें, कोई पेशेंट आया कि हमारे जैसे गठिया कम लेते हैं स्टार्टिंग में, कि जनरली घुटनों से शुरू होता है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि घुटनों में किसी पेशेंट को बता रहा है कि बहुत दर्द है दोनों घुटनों में और सूजन के साथ दर्द आ रहा है, तो हम इसमें एक दवा आती है हमारी रूटा, रूटा, ठीक है। अब रूटा को खाली हम सिंगल एक, ये तो दर्द का तो है ही सिम्टम, लेकिन उसको मॉर्निंग स्टिफनेस भी हो रही है साथ में, ठीक है, तो स्टिफनेस साथ में मसल स्टिफनेस भी है, बॉडी स्टिफनेस भी है और जॉइंट में भी स्टिफनेस लग रही है, तो रूटा 30 पोटेंसी या फर्दर पोटेंसीज में काफ़ी स्पेसिफिक और अच्छा रोल है। अब हम एक दवा आती है एंटीएम क्रूड, ठीक है, अब उसमें हम जो रिलेट करते हैं कि पेशेंट बताता है खासकर छोटे जोड़ों में, स्मॉल जॉइंट्स, हमारे पैर के अंगूठा, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, इसमें मॉर्निंग में ऐंठन पैदा हो रही है, हाथ में मूवमेंट करने में जकड़न महसूस हो रही है, पर हम इसको हम जैसे होम्योपैथी में का पूरा फुल कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है और मेडिसिन क्या क्या सिम्टम्स शो करती है वो भी हम रिलेट करेंगे। अब एंटीएम क्रूड में हम जो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि भाई उसको हमेशा ऐसा पेशेंट पेट की तकलीफ से जूझ रहा होगा, उसको इंडाइजेशन होगा, मीठा खाने से हमेशा उसे प्रॉब्लम पैदा होगी, और साथ में जब डाइजेशन के सिम्टम्स और गाउट के या फिर ये जोड़ों के दर्द के या स्टिफनेस के सिम्टम अगर साथ में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वन ऑफ द इंडिकेशन इज एंटीएम क्रूड, तो उसमें एंटीएम क्रूड का काफ़ी अच्छा रोल रहता है कि पेन को तुरंत रिलीफ लाने में हेल्प करती है जी। कभी कभी पेशेंट आते हैं कि दर्द तो है ही हमें लेकिन बहुत शार्प शूटिंग पेन हो रहे हैं, तो इसमें एक मेडिसिन जैसे हम कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं कि कोलोफाइलम, शार्प शूटिंग पेन, एक मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटर,
एक्टिया रेसिमोसा बोलते हैं उसे, एक नाम और है, तो उसको भी हम शार्प शूटिंग पेन है पेशेंट का और शिफ्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं कि कभी यहाँ आ रहा है कभी यहाँ आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम इन जितनी भी हम दवाइयाँ जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अब जैसे मैंने शिफ्टिंग कैरेक्टर बताया, अब इसमें हमने कॉलोफाइलम का नाम लिया, लेकिन एक दवा है मैकफॉस जो कि शिफ्टिंग कैरेक्टर शो करती है। तो यहाँ पे अब डॉक्टर का फिजिशियन का रोल क्या होता है, होम्योपैथिक फिजिशियन का, कि हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू फुल टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ डिजीज सिम्टम्स, हम इसको डिफ्रेंशिएट करें। वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर हो सकती है जी, ठीक है। अब जैसे हम होम्योपैथी में सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें एक मेडिसिन है बड़ी इफेक्टिव जो जनरल ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इफेक्टिव है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दर्द में काफ़ी रिलीफ लेने में हेल्प करती है। तो उसका कोई जो क्लिनिकल सिम्टम, स्पेसिफिक क्लिनिकल सिम्टम क्या है, जिसे कीनोट सिम्टम भी हम लोग होम्योपैथी में बोलते हैं, एक रस्टॉक्स मेडिसिन है जो कि अगर पेशेंट सुबह उठते ही इनिशियल मूवमेंट में अगर उसको शरीर में जकड़न लग रही है, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली मूव करना शुरू करता है तो उसका दर्द में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये इंडिकेशन है रस्टॉक्स का, ठीक है, जो अलग अलग पोटेंसी में अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम देते हैं। लेकिन जब बहुत सीवियर स्टिफनेस है और मूवमेंट कंटिन्यूस मोशन से पेशेंट आराम फील कर रहा है तो हम हाई पोटेंसी जैसे 1 mm या 10 mm में भी प्रिस्क्राइब करते हैं और उसका तुरंत ही रिलीफ पेशेंट को महसूस हो जाता है देते ही। और अगर हम इसका अपोजिट सिम्टम लें कि पेशेंट बोल रहा है सुबह स्टिफनेस तो है लेकिन उसको कंटिन्यूस मूवमेंट से भी दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तब मेडिसिन एक ब्राइनिया, एक मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा, जिसका इंडिकेशन यही है कि कंटिन्यूस मूवमेंट करने पर भी पेशेंट को रिलीफ ना मिलना बल्कि दर्द बढ़ते जाना, ठीक है। तो ब्राइनिया का इस वाले पेन, इस तरीके के पेन्स में हम प्रिस्क्रिप्शन में आता है जी। अब एक एक हम जैसे हम लिया जाए अलग सिम्टम जैसे गठिया का, कि भाई पेशेंट को पूरा मॉर्निंग में उठा, जनरली मॉर्निंग स्टिफनेस कॉमन होती है चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस लें या रूमेटॉइड आर्थराइटिस लें, तो एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है फर्स्ट 1 hour में पेशेंट काफ़ी स्टिफनेस फील करता है सुबह उठने के बाद, शुरुआती 1 hour होता है जी जी, एक मतलब एक जनरल एक टिपिकल सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो उसमें भी जैसे मैं बता रहा हूँ, मेडिसिन हर सिम्टम की अलग अलग जो उसके बेसिस हैं उस पर मेडिसिन भी डिफरेंट होती जाती है। इसका हम कभी कभी कॉम्बिनेशन भी देना पड़ता है अगर पेशेंट मल्टीपल सिम्टम्स शो कर रहा है एक ही तरीके के केस में, ठीक है। अब जैसे कुछ पेशेंट आते हैं कि भैया हमें बादल हो रहे हैं, जिस दिन भी बादल हुए या बारिश का मौसम हुआ हमें दर्द बढ़ गए, जब भी मौसम में नमी है, नमी या ठंडक हुई या बारिश का जैसे मौसम हुआ, बादल हुए घने और पेशेंट का दर्द बढ़ने लग गया, तो उसमें एक स्पेसिफिक मेडिसिन रोडोडेंड्रॉन नाम से एक मेडिसिन है जिसका बड़ा स्पेसिफिक रोल है। हाँ जी। वो इस तरीके के गठिया के दर्द को कम करने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है जी। और साथ में अगर पेशेंट को कोई डिस्निया का सिम्टम, मतलब कोई अस्थमेटिक या फिर कोई एलर्जी ब्रोंकाइटिस के सिम्टम आ रहे हैं, तो और उस तरफ हमें उस मेडिसिन के इंडिकेशन की तरफ ले जाता है। सर अगर किसी के पेन नहीं है और केवल इन्फ्लेमेशन है तो अर्थराइटिस का पेशेंट जी, लेकिन केवल इन्फ्लेमेशन है तो तब कौन सी मेडिसिन होती हैं? जैसे अर्थराइटिस गठिया होने का मतलब है कि जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, जिसे कि हम सिंपल भाषा में सूजन बोल सकते हैं, लालपन आना जो कि स्किन में ऊपर विजुलाइज भी हो सकता है जोड़ों के ऊपर, जो मेजर जॉइंट्स हैं हमारे, कंधे हो गए, कोनी हो गया, घुटना हो गया, एंकल हो गया हमारे, स्मॉल जॉइंट्स हो गए, इनमें कहीं भी सूजन आना तो ये एक इन्फ्लेमेशन का साइन है। उसमें इनिशियली कभी कभी पेशेंट दर्द प्रेजेंट करता है, कभी नहीं करता है। अब जैसे हम अलग अलग गठिया की फॉर्म हमने डिफ्रेंशिएट करी, अगर पेशेंट को कभी कभी खाली सूजन आ रही है, ठीक है, अब कभी होता है कि कोई इंजरी का कॉज है, कोई स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं खेलते समय, कोई लोकलाइज्ड इशू हो गया कि जॉइंट में कोई इंजरी हुई उस वजह से वहाँ पे सूजन आ गई लेकिन दर्द नहीं है। पेशेंट को अगर खाली सूजन है जॉइंट में या पैरों में सूजन आ गई है और दर्द नहीं है, तो उसमें एक स्पेसिफिक मेडिसिन है एपिस। तो एपिस उस सूजन को हटाने में बहुत ही प्रभावी रोल प्ले करती है, पर प्रोवाइडेड उसमें हम कुछ कीनोट सिम्टम ऐड करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को सूजन है, मान लीजिए घुटने के आसपास काफ़ी सूजन है, दर्द नहीं है और उसकी प्यास भी नहीं है, पानी की उसे प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, पेशेंट को बहुत कम पानी पीता है, तो वह एपिस का इंडिकेटिव सिम्टम है। लेकिन अगर प्यास बहुत ज़्यादा है और पेनफुल है, स्वेलिंग है, तो एक दूसरी मेडिसिन है एपोसाइनम, जो कि इसके दोनों में जो वाटर का मतलब पानी का इंटेक और पानी का इंटेक कम होना, दोनों ये एक सिम्टम ही दो मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अच्छा, तो ये एपोसाइनम और एपिस को हम इस सिम्टम के कीनोट सिम्टम पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट होते हैं जी, क्या ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी अर्थराइटिस की वजह से हो सकती है या हमारे कंधे और गर्दन में दर्द अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है? जी जी बिल्कुल, जैसे हमने बात करी कि गठिया अलग अलग तरीके के होते हैं, वो हमारी स्पाइन में भी स्टिफनेस पैदा कर सकता है क्योंकि जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है, ठीक है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस लें सारे जॉइंट्स इन्फ्लेम हो सकते हैं उससे। लेकिन एक अलग कंडीशन है जो कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन की कैटेगरी में आती है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस,
वो भी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड एक तरीके के गठिया के सिम्टम भी प्रोड्यूस करता है कि रीढ़ की हड्डी का जो नॉर्मल एस कर्व होना चाहिए उसको सीधा करते चले जाता है और वो डिस्क पे दबाव आता है और जिसे हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं वो कंडीशन भी क्रिएट हो सकता है जो कॉमन एरियाज है हमारी गर्दन का पार्ट है या लोअर बैक का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी तो जॉइंट ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, जॉइंट डीजनरेशन भी हो रहा है, डिस्क प्रोलैप्स भी हो रही है, तो ये भी एक गठिया की फॉर्म है एक तरीके की। लेकिन ये हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि नॉर्मल गठिया से है या कोई इंजरी की वजह से है या हमारा पोस्चरल लाइफस्टाइल की वजह से कि गलत तरीके से बैठ रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उस वजह से डिस्क पे दबाव आ गया, कोई एक्सीडेंटल कॉज है या फिर प्रॉपर ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है कि एक ऑटोइम्यून बीमारी है, तो उस हिसाब से फिर दवाइयाँ भी उस हिसाब से डिफ्रेंशिएट होती चली जाती हैं। सर ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहते हैं ना, मतलब जो आम पब्लिक की भाषा में कहते हैं ग्रीस घिस जाना, जो कार्टिलेज होती है बीच में, तो जब किसी के कार्टिलेज की कमी है तो अब जोड़ आपस में टकराएंगे, जब टकराएंगे तो दर्द भी होगा, सूजन भी आएगी जी, तो और गैपिंग भी बढ़ेगी क्योंकि जब आपस में टकराएंगे, जब गैपिंग आ जाती है अर्थराइटिस की वजह से, घुटनों में गैप आता है, तब आप कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं या कौन सी मेडिसिन ऐसी हो सकती है और कैसे वो असर करती है? बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहला तो हमें आइडेंटिफाई करना है गठिया कौन सा है, इसमें की कॉमन टेस्ट हम कराएंगे, ब्लड प्रोफाइल कराएंगे कि पेशेंट का CRP कराएं, RA फैक्टर कराएं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रूल आउट करने के लिए या है या नहीं, NTCCP एंटीबॉडी टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट जो कि इसकी तरफ इंडिकेट करता है, प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है हमें, और फिर हम स्कैन की तरफ जाएंगे कि भाई हड्डी में जो घिसाव हमें दिख रहा है वो एक्सरे, मान लीजिए घुटने में किसी को तकलीफ है, ठीक है, तो हम घुटने का एक्सरे कराएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर हम MRI की तरफ भी जा सकते हैं कि हड्डियाँ बिल्कुल ठीक दिख रही हैं, लिगामेंट का इशू रूल आउट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो हम आइडेंटिफाई करें भाई कि क्या स्टेज में गठिया, अगर मान लीजिए हम ऑस्टियोआर्थराइटिस मान के चल रहे हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस ही डायग्नोज हो रहा है, तो हम देखेंगे कि घुटने का एग्जांपल लेके चलें कि घुटने का हमने एक्सरे कराया, उसमें हम देखेंगे कि किस हिसाब कितना घिसाव है, कि कुछ पार्ट ऑफ कार्टिलेज अभी सस्टेनेबल ही बचा है कि पेशेंट मेडिकली ट्रीट हो सकता है या वो सर्जिकल केस में कन्वर्ट हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन भी बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को भी प्रोएक्टिव और डॉक्टर को भी, अगर पेशेंट उसके पास आ रहा है, प्रोएक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा कि हम केस को जल्दी से जल्दी हम स्टार्टिंग कर पाएं मेडिसिन की, कि वो प्रोग्रेशन रोक ही पाएं स्टार्टिंग में, कि वो डैमेज पूरा परमानेंट ही ना हो जाए। लेकिन अब अगर माइल्ड टू मॉडरेट लेवल तक अगर पेशेंट कार्टिलेज डिजनरेशन पे आ रहा है तो उसको रोक के और पेशेंट के जोड़ों के आसपास का इन्फ्लेमेशन कम करके उसको दर्द से राहत दी जा सकती है पूरा, और उसकी बीमारी को भी, प्रोग्रेशन को भी रोका जा सकता है। सर यूरिक एसिड में कहते हैं कि जो दर्द शुरू होता है जॉइंट में, सबसे छोटे जॉइंट से शुरू होता है पहले जी जी। जैसे पैर का अंगूठा हो गया, उंगलियां हो गई, हाथ की उंगलियां हो गई, छोटे से छोटे जॉइंट, तो जब यूरिक एसिड की वजह से लोगों के जॉइंट में पेन होता है तो उसमें कौन सी मेडिसिन होती हैं? बिल्कुल, जब यूरिक एसिड की वजह से जो एक डिपोजिशन हो रहा है जॉइंट में, जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल सिम्टम है वो आपके पंजे का अंगूठा, जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक वहीं से शुरुआत होती है, आपके हील्स हो गए, एड़ी हो गई, आपका पंजा हो गया, फिर आपके हाथ की उंगलियां हो गई, ये कॉमन एरियाज है जहाँ पे कि इन्फ्लेमेशन की, अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है वहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि वहाँ पे जो यूरिक एसिड क्रिस्टल हैं जनरली यहीं से शुरुआत करते हैं जमा होने की जोड़ों में, और फिर वो आगे प्रोग्रेस करता जाता है जी। पर हमें ये जानना है कि भाई यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो पहले तो उसे प्रोफाइल में हम चेक करा जाए ब्लड प्रोफाइल के थ्रू कि यूरिक एसिड का लेवल क्या है, बॉर्डर लाइन है या कम है, और यूरिक एसिड में हमें स्पेसिफिक रहना है। बहुत सारे पेशेंट हैं उनका यूरिक एसिड रिपोर्ट्स में अगर बॉर्डर लाइन या बिल्कुल बॉर्डर लाइन के आसपास आ रहा है पर वो सिम्टम शो कर रहे हैं, तो भी हम यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, और पेशेंट अगर बॉर्डर लाइन प्रोफाइल दिखा रहा है यूरिक एसिड की ब्लड प्रोफाइल में पर सिम्टम कुछ नहीं है तो हम उसको उस ट्रीटमेंट कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर पेशेंट को, हाँ, बॉर्डर लाइन या उसके ऊपर है तो हमें ट्रीटमेंट देना जरूरी है, डाउन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर पेशेंट अगर बॉर्डर लाइन या जस्ट नियर बॉर्डर लाइन है यूरिक एसिड और सिम्टम शो कर रहा है जॉइंट इन्फ्लेमेशन या पेन के, तो दवा देना जरूरी है। तो इसमें होम्योपैथी का रोल ऐसे आता है कि हम स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, जैसे कि किसी को अंगूठे में दर्द शुरू हुआ तो, और छोटे जोड़ों में जकड़न हो रही है, ठीक है, और स्वेलिंग आनी शुरू हो गई और नोडोसाइट्स या गुठलियाँ सी दिखने लग गई जॉइंट्स में, तो उसमें हम जैसे एक लिथियम कार्ब दवा है तो वो यूरिक एसिड क्रिस्टल को क्लियर करने में जॉइंट से काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसे ही एक दवा है कॉल्चिकम, जो कि हम बायोकेमिक्स में भी देते हैं टैबलेट फॉर्म में भी या नॉर्मल अपना पोटेंसी ड्रग्स में भी 30 या 200 फॉर्म में भी दी जाती है। उसका रोल क्या है, उसमें भी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, हमें जॉइंट्स में, स्मॉल जॉइंट्स में पेन है, सूजन आनी शुरू हो गई है, और साथ में उसमें भी शिफ्टिंग कैरेक्टर दिखता है कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ने के साथ,
तो कॉल्चिकम का काफ़ी अच्छा रोल रहता है उसमें, तुरंत उसको कंट्रोल करने में। कंट्रोल करने में सर, ये तो आपने बता दिया कि कौन से सिम्टम्स के हिसाब से अर्थराइटिस में आप कौन कौन से मेडिसिन दी जाती हैं। अब परहेज भी बहुत ज़रूरी है, अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हो, चाहे उसको रूमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जी, तो इन चारों के हिसाब से आप बताइए कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी और यूरिक एसिड में किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। एक्चुअली जो जितना भी इसका ट्रीटमेंट इसका हमें अवेलेबल है सारा, तो इसमें एक लाइफ स्टाइल और डाइट का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहता है जी, अलॉन्ग विद मेडिसिन इन ऑल काइंड ऑफ अर्थराइटिस, ठीक है, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे वो स्पॉन्डलाइटिस हो, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस हो, या फिर आपको गाउट हो या नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। सबसे पहला जो हमारा के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, चाहे एज रिलेटेड गठिया है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर ऑटोइम्यून कंडीशन है जैसे कि गाउट हो गया, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, तो हमें वेट मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है। कोई पेशेंट अगर ओवरवेट है तो उसे अपना वेट मैनेज करके डाइट के थ्रू, माइल्ड वर्कआउट के थ्रू कि उसको मेंटेन करे अकॉर्डिंग टू हिज हाइट, उससे भी जोड़ों पे दबाव कम पड़ेगा। जो हमारे घुटने हैं पूरे शरीर का लोड ले रहे हैं, हमारी एड़ी है, एंकल है, तो एक कॉमन एरियाज है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है गठिया में, तो अगर हम वेट मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू एज, तो भी इन्फ्लेमेशन कम करने में काफ़ी अच्छा, कम समय में काफ़ी अच्छे तरीके से हम जोड़ों की हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे जी। अब हुआ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, क्या क्या होना चाहिए। हाई फाइबर डाइट, जो हम जनरल एक हेल्दी डाइट की बात करते हैं, प्रॉपर इंडियन डाइट, जिसमें कि लेकिन हाई फैट डाइट, हाई शुगर डाइट, जंक फूड्स, जितना ये पैकेज प्रोडक्ट्स हैं इनसे दूरी बनाइए, अल्कोहल, स्मोकिंग, और हाँ एक मैं स्मोकिंग के लिए भी बताना चाहूँगा, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं अगर वो स्मोकर्स हैं, क्रॉनिक स्मोकर हैं, तो उनकी कंडीशन और वर्स हो जाएगी। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मोकिंग का रोल पाया गया है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये तो आपका डाइटरी रिस्ट्रिक्शन में से बताया, कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं जैसे हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये ऐसा एक कंपाउंड है जो मतलब कॉमनली फूड्स में मिलता है, जैसे कि मैं नाम बताऊं कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, हमारे किडनी बीन्स हो गए, राजमा जैसे बोलते हैं, हमारा जो लोग नॉनवेज लेते हैं, नॉनवेज रेड मीट को छोड़ के जितना वाइट मीट है, खासकर फिश, सालमन हो गई, बाकी अलग अलग तरीके की फिश या सी फूड्स, उसमें काफ़ी अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ये जॉइंट की इन्फ्लेमेशन कम करने में और साथ में जॉइंट को रिपेयर करने में भी, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अच्छा रोल प्ले करता है। तो डाइट में अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को रूटीन में इंक्लूड करें इन फूड्स के थ्रू, तो काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी हो गया अपना प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना, अगर हम ठीक तरीके से पानी पिएंगे, तो यूरिक एसिड ले लीजिए केस में, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जल्दी फिल्टर हो पाएंगे हमारी किडनी के थ्रू, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से जल्दी फ्लो निकल पाएगा और जमा नहीं होंगे जोड़ों में। और जैसे हम स्पेसिफिक केस लें, कोई यूरिक एसिड, हाई यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स हैं, तो उसमें हम थोड़ा बताते हैं कि भाई हाई प्यूरिन रिच फूड को अवॉइड करा जाए, जिसमें कि नॉनवेज डाइट्स हो गई, रेड मीट हो गया, या फिर आपका जंक फूड्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, ऑक्सलेट रिच फूड हो गया जिसमें कि अल्कोहल हो गया, आपका ये ड्रिंक्स हो गए, जितने भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनको अवॉइड करा जाए, ठीक है। और बाकी हमें हर चीज़ में मतलब एक बैलेंस, प्रॉपर जो डाइट है हम इंडियन, प्रॉपर इंडियन डाइट जो बैलेंस फॉर्म में ले रहे हैं उसको कंज्यूम करने की कोशिश करें, और साथ में अगर एक्टिव रहेंगे, हल्का फुल्का माइल्ड एक्सरसाइज रखेंगे, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट उसमें कंट्रोल करने में प्ले करेगा अलॉन्ग विद द मेडिकेशन जी। सर ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों को अर्थराइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है या जोड़ों में दर्द होता है, वो खट्टी और ठंडी चीज़ों को अवॉइड करे, कितना सच है। मतलब ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा डायरेक्ट रोल नहीं है, बस बहुत लोगों को होता है कि कुछ लोग अगर एलर्जिक हैं भाई किसी भी खट्टे फल से, वो तो एक अलग कंडीशन हो गई, लेकिन अगर विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनने से भी रोकता है और हमारे कैल्शियम, हमारा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को भी एड करता है, तो खट्टी चीज़ें अगर हम नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं जिसमें कि विटामिन सी रिच है, जैसे अमरूद हो गया या सिट्रस फ्रूट्स हो गए, लाइम हो गया, लेमन हो गया, तो ये सब तो फ़ायदा करेंगे हमें। अब खट्टे से मतलब अगर जंक फूड का है कि कोई भी अब जंक फूड या प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ले रहे हैं, तो वो तो अल्टीमेटली जॉइंट इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाएगी, बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करेगी, और हमें हमारे जितना भी अगर कोई पेशेंट गठिया से प्रभावित है उस कंडीशन को प्रोग्रेस करने में भी उसका रोल रहेगा जी। सर इसमें मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, कहते हैं ना कि जो भी बीमारी होती है कहीं ना कहीं हमारे अनहेल्दी गट की वजह से होती है, और क्योंकि अगर मैं इसमें आयुर्वेद थोड़ा जोड़ूं तो आयुर्वेद में कहते हैं कि 7 धातुएं होती है हमारे शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस यानी कि जो खाने के बाद हमारे शरीर में रस बन रहा है, कह रहे हैं अगर वो दूषित होता है तो फिर धीरे धीरे हमें सारी बीमारियां लगने लगती हैं, और वही कहते हैं कि वही रस जब दूषित होकर हमारे जॉइंट में डिपॉजिट होता है तो वहां से हमारे जॉइंट पर पेन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, क्या
होम्योपैथी में भी माना जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से या हमारे अनहेल्दी गट की वजह से भी अर्थराइटिस हो सकता है। अनहेल्दी गट एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि आपकी बीमारी को प्रोग्रेशन कर दे। अब अनहेल्दी गट है, आपका लिवर कमज़ोर है, आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रखा है, प्रोटीन का एसिमिलेशन रिड्यूस हो रहा है, तो हो सकता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाए ब्लड में, आप गाउट की तरफ चले जाएँ। आपका गट हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी में फैट, अनहेल्दी फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा लोअर एब्डोमेन, लोअर थाई में, मतलब थाई रीजन या लोअर एब्डोमेन में लोगों को फैट जमा हो जाता है, बाकी पतले होते हैं, तो उसमें वो भी एक अनहेल्दी गट का एक साइन होता है। आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, आपका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन ठीक नहीं है न्यूट्रिशन का, तो क्या होगा अल्टीमेटली, आपकी बोन में जो हेल्दी कैल्शियम डिपोजिशन होना चाहिए उसकी कमी होती चली जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल, हमारा जो बोन मैरो है हड्डी के अंदर, हमारे बी सेल टी सेल प्रोड्यूस करता है, हमारे एक इम्यूनिटी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। तो जो बॉडी में अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं पेट के थ्रू, तो एक इनडायरेक्टली और कुछ केसेस में डायरेक्टली आपकी जो अंडरलाइन कंडीशन है जिसमें कि गठिया भी है उसको भी प्रोग्रेशन में रोल तो प्ले कर सकता है। हाँ जी, तो इसके लिए फिर अब अलग मेडिसिन दी जाती है। बिल्कुल, आपको ओवरऑल बॉडी में इन्फ्लेमेशन, गट अनहेल्दी गट है, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो आपकी मतलब ये साइन है कि आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ, आपकी लिवर हेल्थ, ओवरऑल जी आई टी हेल्थ कमज़ोर है, तो वो इम्प्रूव होगी तो बॉडी में सर्कुलेशन जैसे इम्प्रूव होगा तो वो सर्कुलेशन हड्डियों में भी तो जाएगा ना अच्छी ऑक्सीजन लेके, तो आपका जब बोन का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी बोन में हीलिंग भी जल्दी होगी और आप रिपेयर भी जल्दी होगा शरीर में, जॉइंट्स में खासकर, तो आप गठिया से होने से उसको आप प्रोग्रेशन को स्लो डाउन भी कर सकते हैं और होने से उसमें बचाव भी कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए। तो सर आपका धन्यवाद कि आपने अर्थराइटिस में कैसे कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है सिम्टम्स के बेस पर। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा अर्थराइटिस में होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, और सवाल आपके मन में यही उठ रहा होगा कि सर ने डोजेस क्यों नहीं बताई हैं। तो जैसा कि आपने पूरे वीडियो में सुना होगा, हर सिम्टम्स के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन हैं, और जिसको ज़्यादा सिम्टम्स है तो उसको इन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पेशेंट को देखकर पेशेंट के हिसाब से दवाई देना। इसलिए सर ने डोजेस नहीं बताई हैं, क्योंकि डोज हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। जी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको मदद मिली होगी अपने अर्थराइटिस में जानने की कौन से सिम्टम्स में कौन सी दवाई दी जाती हैं। तो आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वो डॉक्टर आपको अर्थराइटिस में दवाई देंगे, तो इस वीडियो से हेल्पफुल आपके लिए ये होगा कि आप इस वीडियो को सुनकर पता लगा सकते हैं कि कौन से सिम्टम्स में कौन सी दवाई दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको अर्थराइटिस है या कोई भी बीमारी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी मेडिसिन लें। आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं या जिस पे आपको भरोसा है, और अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी बीमारी है, उस बीमारी के बारे में आप होम्योपैथी मेडिसिन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से आपको आपकी बीमारी के बारे में, होम्योपैथी के बारे में बताया जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।